जी खवातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ताख़ीर से शुरू करने के लिए माज़र। ज़िंदगी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे दौर होते हैं, मगर बचपन की बात कुछ अलग। ऐसा लगता है कि जैसे बचपन कभी हमें छोड़ के जाता नहीं, एक इनर चाइल्ड के ज़रिए हमारे अंदर रहता है, या फिर यादों और बातों के ज़रिए हम उसको ज़िंदा रहते हैं। कभी दोस्तों की महफिल में बैठे हों तो वहाँ भी बचपन का कोई ना कोई किस्सा आ ही जाता है। दादा दादी के पास हों, नाना नानी के पास हों तो उनके बचपन के किस्से सुनते रहते हैं। आजकल के बच्चों पे कोई कमेंट्री करनी हो तो अपने बचपन के रेफरेंस से कमेंट्री करते हैं। किसी बच्चे से मिलते हैं तो उसको बताते हैं कि हमारा बचपन कैसा होगा। मेरा नाम जुहेब शेख है, मेरा ताल्लुक द सिटीजंस फाउंडेशन यानी TCF से है, जिसका काम उन इलाकों में जहाँ रसाई मुश्किल हो वहाँ बेहतरीन तालीम मुहैया करना है, और इस मिशन में हमारे 1600 से ज़्यादा स्कूल और पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन बच्चों की तरह हर शख्स का बचपन बहुत अनमोल है, तो हमने सोचा कि किसी ऐसे सिलसिले की शुरुआत करें जहां हमारी जानी मानी शख्सियत हमारे सामने बैठी हों और हम उनके बचपन के बारे में जानें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम किसी को पूरी तरह से नहीं जान सकते जब तक उनके बचपन के बारे में ना हो। तो इस कड़ी में आज हमारे पास जो सबसे पहली शख्सियत इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने लगे हैं, उनसे मेरा पहला तारुफ मेरे ख्याल से 96-97 की बात है। एक प्ले हुआ था, एक TV पे प्रोग्राम आता था 3/3, और उसमें लूसी का किरदार उन्होंने अदा किया था, जो कि अपने वक्त का एक आइकॉनिक ड्रामा रहा। उसके बाद बहुत सारे टेलीविजन के ड्रामों में रहे, जैसे कि A4A और कुछ, और TV के लिए लिखते भी रहे, कुछ अवार्ड्स भी जीते राइटिंग में, उसके अलावा फिल्म्स में काम किया। अगर आपको मालूम हो डोंकी किंग जो मूवी रिलीज हुई थी रिसेंटली, उसमें उन्होंने पांच किरदार निभाए सिर्फ अपनी आवाज़ से। राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, होस्ट हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सारे इदारों के लिए उन्होंने वीडियोस बनाई, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हैं, एक ऑडियो बुक भी वो रिलीज कर चुके हैं, अल्लामा इकबाल की पयाम मशरिक उन्होंने पढ़ी। इसके अलावा पियानो बजाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आज उनसे मिलते हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अदील हाशमी हमारे साथ मौजूद है। अदील अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अदील अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जुहेब, वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे मालूम नहीं थी दो बातें। एक बात तो ये कि आप इतने पुराने हैं जितना पुराना 3/3 है, तो आपको तो आसारे कदीमा में होना चाहिए। और दूसरा ये कि TCF यानी द सिटीजंस फाउंडेशन बहुत जबरदस्त काम करते हैं, मैं बहुत सालों से उनका मद्दा भी हूँ और मैंने कुछ काम भी देखा उनका, तो मुझे बुलाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो देखने वाले हैं इनके पास और कुछ करने को नहीं है कि ये मेरी और आपकी कुछ बकबक सुनेंगे, तो इनका भी पेश की बेइंतहा शुक्रिया। शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और TCF के लिए। आई थिंक माजी में चलेंगे, बट उससे पहले थोड़े हाल के बारे में बात करते हैं। आप आजकल क्या कर रहे हैं? बहुत अरसे से TV पे नजर नहीं आते, क्या बात है? मैं आजकल अपने बच्चे पाल रहा हूँ, मैं आजकल किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल बिल्कुल एक सुस्त रफ्तारी के साथ जिंदगी की रॉ को बहते हुए देख रहा हूँ। और टेलीविजन के ऊपर आने के लिए इंसान को या तो सियासतदान होना चाहिए या कोई ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए जिसको कंट्रोवर्सी का शौक हो। तो चूंकि मैं दोनों ही नहीं हूं, तो इसलिए मैं जरा उफ्ताद तबा के लिहाज से जरा गोशा नशीन हूं, तो मैंने समझा कि गोशा नशीनी ही इख्तियार करनी चाहिए ऐसे सख्त वक्त। बेहतरीन बात है, मगर आपकी गोशा नशीनी से हमने आपको थोड़ा सा खींच लिया है आज। तो तैयार है, आपके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें कर दी है, आई थिंक शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। So, हमें बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये भी बताना चाहें तो वो भी बता दें। और अगर आप अपनी जिंदगी को मोड़ के देखें तो सबसे पहली मेमोरीज आपके ज़हन में क्या है? कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इसके बारे में तो जो मेरे अम्मा अब्बा ने कहा है मुझे उस पे यकीन करना पड़ेगा। मैं तो उस वक्त बहुत ही छोटा था, लेकिन लाहौर में ही मैं पैदा हुआ, गालिबन किसी अस्पताल में। और बिल्कुल शुरू की मेमोरीज है, वो मुझे दो मेमोरीज बचपन की मुझे बहुत ही बचपन की मुझे याद है। एक तो ये कि मुझे खेल कूद का बहुत शौक था, तो जब शाम के 5 बजते थे तो मेरी उम्र शायद मुश्किल से 3-4 बरस थी, तो मुझे मालूम होता था कि भाई अब शाम को घर से बाहर निकलना है। और हमारा घर जो है वो पुराने जमाने का एक बड़ा सा घर था, तो 2 बड़े बड़े लॉन्स थे बाहर। तो और ये जमाने वो थे कि जब गली मोहल्लों के बच्चे आपस में शाम को इकट्ठा खेला करते थे, तो शाम को रोज बाहर निकलना
और शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो इंसानी ज़हन ने ईजाद किया हो जो हमने ना खेला हो बचपन में। तो ये मुझे बचपन की जो बिल्कुल अर्लीस्ट मेमोरीज हैं वो ये हैं। तो खेल कूद बहुत करते थे, कौन सा खेल आप बहुत अच्छा खेलते थे और किस खेल में आप बारहवें खिलाड़ी हो? मेरा जी तो ये मेरा एक्चुअली बचपन में ये प्लान भी था कि मैंने एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है। तो मैंने पहले तो क्रिकेट को काफी देर घुमारा, कुछ ऐसा नेट किया, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि मेरे अंदर इस कदर टैलेंट है क्रिकेट का कि मैं जितना दूर रहूं क्रिकेट से उतना ही क्रिकेट की बहबूद के लिए अच्छा है। तो वो तो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। ज़हीर अब्बास बनने का मुझे शौक था, उस जमाने में ज़हीर अब्बास जो थे ना वो बहुत बड़े स्टार थे, तो वो बनने का शौक था। फिर जब जरा सा बड़ा हुआ तो फिर मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक था। मैंने बहुत साल कंपेरेटिव लेवल पे बैडमिंटन खेली और मेरा ये प्लान था कि मैंने दुनिया में बैडमिंटन की चैंपियनशिप जीतनी है। तब मुझे जरा देर में एहसास हुआ कि मेरे अंदर बैडमिंटन का भी उतना ही टैलेंट है जितना कि क्रिकेट का था। तो बेहतर यही है कि मैं इसको छोड़ ही दूं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान के पास के नहीं होते। तो ये दो स्पोर्ट्स थी जो मेरी फेवरेट थी और फिर जाहिर है फिर कुछ कुछ हो ही नहीं सका, मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है वाला सिचुएशन। सही, आई थिंक कहते हैं कि हर चीज में कोई ना कोई मसले होते हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन होते तो शायद क्रिकेट में वो कारनामे नहीं अंजाम देते जो आपने स्क्रीन पे दे दिए। बट यू कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट्स, आपका बचपन बहुत सारे आर्टिस्ट की छाओं में या उनकी कंपनी में गुजरा है, फैज अहमद फैज आपके ग्रैंडफादर, उसके अलावा फैमिली ऑफ आर्टिस्ट। तो हम आम लोगों के जो वालदेन है वो तो हमें कहते हैं कि बड़ा होकर इंजीनियर बन रहे, तो आपके पास ये प्रेशर होता था कि बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना है? अच्छा, इसका बिल्कुल बरक्स था ज़ुहेब, यकीन जाने कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैंने बड़े होके डॉक्टर बनना है और बिल्कुल आर्टिस्ट नहीं बनना। बल्कि मैंने जब शायद एफए में मैं था या बीए में था मुझे याद नहीं, तो जब मैंने ये शौक जाहिर किया कि मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था कि मैंने म्यूजिशियन बनना है, तो मेरे घर में सफ़े मातम बिछ गया, मेरे वालिदैन की रातों की नींदें उड़ गईं कि आर्टिस्ट बनने चल पड़ा है। क्योंकि गालिबन उन्होंने ऐसे मुश्किल दिन देखे थे जो अब भी गालिबन वो देख रहे हैं कि आर्टिस्ट जो होता है इस मुल्क में बिलखसूस, वो उसके पेट में रोटी वोटी नहीं होती। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई को तो कुछ डरा धमका के कुछ बैला फुसला के डॉक्टर बना दिया, लेकिन मुझे भी उन्होंने डाल दिया एफएससी में कि आप प्री मेडिकल करें और फिर डॉक्टर बने। लेकिन फिर मेरे इतने ज्यादा नंबर आए एफएससी में कि मेडिकल कॉलेज ने कहा पूरे मुल्क में कि आप इतने जहीन हैं कि आप जितना दूर रहें कॉलेज से इतना अच्छा। लेकिन बिल्कुल आपकी जो बात है उसके बरक्स था कि उनको बिल्कुल ये शौक नहीं था ना कोई ख्वाहिश थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं। वो चूंकि मेरी तबीयत में जरा बगावत और थोड़ी सी गुस्ताखी जरा ज्यादा है, इसलिए मैं फिर कुछ अरसे बाद इस लाइन में आ गया, वरना मेरे वालिदैन को तो बहुत फिक्र है, आज भी उनको फिक्र है कि पता नहीं रोजी रोटी इसकी चलती है नहीं चलती, ये क्या करता है। वो फिक्र उनकी दुरुस्त है, क्योंकि हर जो इस मुल्क में जो शरीफ आम लोग हैं आपके हमारी तरह उनको रोजी रोटी की फिक्र रहती है। लेकिन नहीं, मुझ पर बिल्कुल प्रेशर नहीं था आर्टिस्ट बनने का, और डॉक्टर बनने का बहुत प्रेशर था। सही, तो ये आपकी चॉइस रही। सो बचपन में आपने म्यूजिक की बात की, बट शुरू शुरू में क्या किया? शुरू में आपने कोई ड्राइंग्स बनाई, कुछ लिखते थे या ऐसे शीशे के सामने एक्टिंग करते थे? शुरू कैसे किया आपने बचपन में, और क्या अर्लीस्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे जिसकी वजह से आपको लगा कि आप आर्टिस्ट बनने की तरफ जा रहे हैं? ऑब्वियसली घर में बहुत सारे एग्जांपल्स थे, बट उसके अलावा कुछ? ज़ुहेब, एक तो कोई काम कभी देखा और सुना ही नहीं ना आर्ट के अलावा। मेरी खाला भी पेंटर थी, मेरी अम्मा जो थी वो पीटीवी में थी, मेरे ताया जो थे वो लिखते थे एक्टिंग करते थे, मेरे अब्बा भी कुछ स्क्रिप्ट लिखते थे। और हमारे खानदान में और हमारे घर में बड़ा सा पुराना सा घर था हमारा, इकट्ठे सब रहा करते थे उस वक्त, जैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। तो सारे शहर के लिखने वाले और एक्टर्स और अच्छे अच्छे फनकार और गायक शाम को इकट्ठे हुआ करते थे। तो वो जो इन्वायरमेंट हुआ करता था वो अदबी भी था, वो फनी भी था, फिल्म गुफ्तगू भी हुआ करती थी, म्यूजिक तो खैर बहुत ही हुआ करता था। तो और तो कुछ आता ही नहीं था। हरगिज मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम आता है, ये काम भी नहीं आता, लेकिन बाकी तो कोई काम डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या वकालत तो बिल्कुल छू के नहीं कभी गई थी। तो ये तो कैसे कहाँ से ये तय ही था कि ये करना ही है, और घर घर में ही बस ये कुछ तय सा ही हो गया था, बस किसी ने कहा तो कभी नहीं बने। फिर मेरे ताया मेरे हीरो भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, शुएब हाशमी साहब, वो टेलीविजन पे काम भी करते थे, वो लिखते भी थे, फिर वो थिएटर करते थे जो मैं जो देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन होती थी।
म्यूजिक में बहुत उनका उनको शौक था। घर में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, म्यूजिक के रिहर्सल्स हुआ करती थी गाने की। तो और जब कुछ देखा ही नहीं, जब देखा ही ये रास्ता, तो फिर यही करना था। फिर तो मैंने काफी कोशिश की कि मैं चलो बिजनेस भी ट्राई करता हूँ। मैंने MBA भी कर लिया, फिर प्री मेडिकल जैसे मैंने कहा वो भी की, लेकिन वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे कहते हैं ना कि वो डेस्टिंड होती हैं। तो बस कुछ डेस्टिंड था ये काम, ये बस यही करना है। ये अलहदा बात है कि वो भी ठीक से और ढंग से हुआ नहीं, ये मैं बिल्कुल 100% ईमानदारी से कह रहा हूँ आपसे, लेकिन बहरहाल और तो कुछ करने का कोई सिलसिला नहीं था। तो घर वाली इंस्पिरेशन भी थे, फिर जाहिर है फैज साहब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे जवानी में भी, जो कि अभी चल रही है मेरी। और जूं जूं जरा सा होश संभाला, या यूं कहिए कि जूं जूं होश जो है वो खोया जिंदगी में, तो इंस्पिरेशन और थी। ये जिंदगी के वाकयात सही फैज साहब की आपने बात की। सो फैज साहब का आपके बचपन के साथ ताल्लुक, इन्फ्लुएंस या उससे रिलेटेड कोई मेमोरीज अगर हो तो वो हम जानना चाहते हैं। बचपन की तो काफी मेमोरीज हैं, क्योंकि मेरी उम्र कोई 11-12 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ है, और वो आखिरी 2-3 साल हमारे साथ ही रहे थे, बल्कि हम उनके साथ रहे थे क्योंकि वो एक ही घर था हमारा। तो मैं उनके साथ जब स्कूल से वापस आ रहा था, खासतौर से जुमेरात को, क्योंकि जुमेरात को हाफ डे हुआ करता था उस जमाने में, जिस जमाने का मैं हूँ और जिस जमाने के आप, जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी। मैं जब घर में ड्राइव पे आया करता था स्कूल से अपने, तो वो लॉन में अंदर बैठ के तो अखबार पढ़ रहे होते थे, 11:30, 11:30, 10:11। तो उनके साथ मेरी शतरंज की बाजी हुआ करती थी बाकायदगी से लॉन में, तो हम चेस खेला करते थे। ये तो मुझे मालूम था उस जमाने में भी कि फैज साहब जो हैं वो किसी वजह से, अभी वजह नहीं मालूम थी, किसी वजह से बहुत बड़े स्टार हैं और हर कोई जो है वो उनसे मिलना चाहता है और उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो क्यों शायर है। भाई शायर थे, शायर तो कोई भी हो सकता है यार, तो स्टार बनने में ऐसी क्या बात है, शायर तो बहुत से और हो सकते। लेकिन बहुत अरसे के बाद पता लगा कि आखिर में उनका जो स्टारडम था वो था क्या, उस जमाने में तो इल्म ही नहीं था। और मुझे याद है नवंबर का महीना था जब उनका इंतकाल हुआ है, और जाहिर उस जमाने में ना मोबाइल फोन्स थे ना व्हाट्सएप थे, कुछ भी नहीं था, तो इतला किसी को करना, फोन पे इतला हुआ करती थी, तो फोन आप कितने किसी को कर लेंगे। लेकिन जो उनका जनाजा था फैज साहब का, जाहिर मैं 11-12 साल मेरी उम्र थी, इस कदर वो बड़ा था, तो मैंने अपने भाई से पूछा था कि इन सब लोगों को इतला कैसे हुई कि नाना का इंतकाल हुआ है। तो भाई ने जब उस दिन का अखबार उठाया तो हर अखबार की जो हेडलाइन थी सब अखबारों की, वो फैज साहब के बारे में थी। तो वो शायद पहला मुझे एक शॉक लगा कि वो जिनको हम नाना कह के बड़े मोहब्बत से मिलते हैं, वो असल में उनका जो स्टैचर है वो मुल्क में और मुल्क के बाहर क्या है। और फिर जो जो वक्त गुजरा, जो जो कुछ कुछ पढ़ने का जरा सा शौक बढ़ा, जुबान को जरा सा कुछ मुंह मारने का समझने का शौक बढ़ा, तो अंदाजा हुआ कि यार वो तो यू नो इट वाज अ ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस लेगेसी। और उसकी एक एक डाउनसाइड ये है कि मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं ट्विटर पे और फेसबुक के ऊपर लोगों के साथ वो बदकलामी करूं जो आमतौर से लोग आपस में करते हैं, पर मुझे ख्याल आता है कि देखो यार फैज साहब होंगे तो वो माइंड करेंगे, तो इसलिए खामोशी रहना चाहिए। तो ये एक डाउनसाइड भी है वैसे उस लेगेसी। अब आपने पता नहीं क्या सवाल पूछा और मैंने क्या जवाब दे दिया उसका। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक। कभी कभी बिठा के उन्होंने अपनी शायरी सुनाई आपको? नहीं, कभी नहीं सुनाई। ना सिर्फ ये कि मुझे नहीं सुनाई, बल्कि मुझे अंदेशा ये है कि फिर से मैंने सुने कि उनसे लोग जब फरमाइश ज्यादा किया करते थे तो फिर वो सुनाते थे, और बिल्कुल वो उस किस्म के शायर नहीं थे कि वो किसी महफिल में बैठ के वो कहें भी अच्छा भी मैं सुनाता हूँ अपना अपना कलाम। बल्कि एक आध दफा तो किसी ने किसी महफिल में जब वो सुना रहे थे तो किसी ने कहा कि अच्छा भी फलाना कुछ करते हैं, तो जब उनको हल्के साइबा भी हुआ कि किसी की तवज्जो नहीं है मेरी तरफ से, फिर अपना कलाम सुनाना बंद कर दिया। तो वो नहीं, मैंने कभी, मुझे ये मौका नहीं मिला कि मेरे सामने कभी उन्होंने या किसी महफिल में भी कलाम पढ़ाओ, क्योंकि मेरी बेशतर उम्र ऐसी थी कि वो तो या जिलावतन थे उस जमाने में, पाकिस्तान तो बहुत ही कम आते थे, तो ये मौका मुझे मिल नहीं सका। लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग उनकी जाहिर है मैंने बहुत सुनी, बल्कि बहुत सा कलाम तो जुबानी याद भी कर लिया। सही, हम अब आहिस्ता आहिस्ता आपके स्कूल के दिनों में भी जाएंगे, बट उससे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप भी अदील से उनके बचपन के बारे में सवाल करना चाहें तो फेसबुक पे रिसर्चेंस फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके सवाल अदील से पूछेंगे। सुधीर, बचपन में आपने बताया कि एक रिबेलियस सा आपके अंदर आंसर तो था, मगर उसके अलावा किस तरह के बच्चे थे आप? शरारती थे, सीरियस थे, नाक में दम करते थे, या ऐसे सवाल करते थे जो लोगों को क्लीन बोल्ड कर दें, किस तरह के बच्चे थे आप?
क्यों लेके जाए मुझे उन दिनों में, मुसलमानों का तापनाक माजी मुझे याद आ रहा है। एक तो शरारती तो मैं कुछ कुछ था, लेकिन साथ साथ डरपोक बहुत था, और ये मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि शरारतपन ज्यादा था या डर ज्यादा था, क्योंकि मैं डरता बहुत था शरारतें करने से, लेकिन करता ही बहुत था। मेरे घर में मुझे बचपन में, छोटी उम्र में जो बच्चों को होता है, मेरा गला खराब होना, नजला जुकाम होना, ये तो, और मुझे खटाई का बेहद शौक था। तो मैं क्लास 1, 2, 3 की बात है, वो उस जमाने में, जिस जमाने के हम और आप हैं, उस जमाने में सड़कों के ऊपर दोपहर को चने वाला घूमा करता था अपनी एक छापड़ी से लेके, उसमें वो खट्टे चने और मिर्चें और ये चीजें, तो मुझे बहुत शौक था इसका। और मुझे सख्ती से ममानियत थी घर से कि आपने ऐसा कुछ नहीं करना, गला खराब होता है फिर कई हफ्ते ठीक नहीं होता गला। लेकिन मैं कुछ पैसे बचा के कहीं से, तो मैं चने खाया करता था, और उसी शाम को या अगले दिन सुबह मेरा गला शदीद खराब हुआ करता था, और अम्मी अब्बू को फौरन इत्तला होती थी कि इसने कमबख्त में जरूर कल कुछ शरारत की है, या इसने कच्ची अंबियां खाई हैं जो मैं तोड़ के खाया करता था घर से या हमसायों से, या इसने कच्चे चने खाए हैं खटाई डाल के अच्छी तरह। और इस कदर मेरा बुरा हो गया मेरा गला बचपन में, क्लास 1, 2 की बात है, कि मुझे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन मैंने कराया उस जमाने में, मेरी उम्र मुश्किल 6-7 बरस थी, इतना मैं बीमार रहा करता था। तो एक तो ये, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, मैं अपने स्कूल में, पब्लिक स्कूल था हमारा, और क्लास में 80-90 बच्चे हुआ करते थे, और टीचर्स जो हुआ करती थी उनके कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो फेवरेट होते हैं, तो मुझे नहीं याद कोई ऐसी टीचर जिसका मैं फेवरेट बच्चा ना हो, क्योंकि मैं क्लास में निहायत मासूम शक्ल बना के बैठा करता था, तो मुझे वो बहुत सारे टीचर्स पसंद करते थे, और पढ़ाई में भी मैं अच्छा था। लेकिन जब स्कूल से बाहर निकले तो बस फिर एक खबासत थी, खेल कूद की, हुलड़बाजी की, चोरी छुपे कुछ चीजें करने की, जिस काम से अम्मा अब्बा ने मना किया है वही काम करने की, और ये आदत अब भी है। तो अब तो मेरे अम्मा अब्बा जो है वो हथियार फेंक चुके हैं, बस ये छोड़ दो, ये तो वो कुत्ते की दुम है कि इसको इतना हमने डांटा, मोहब्बत की समझाई, ये सीधा नहीं होता। तो इस तरह का बच्चा था मैं बचपन में, और ये वाज रहे कि बचपन मेरा खत्म हो गया, लेकिन बचपना मेरा खत्म नहीं हुआ, और मैंने होने देना भी नहीं। बेहतरीन बात है, आई थिंक बचपन, जैसे मैं शुरू में कहा था कि किसी न किसी हवाले से हम उसको जिंदा रखते ही हैं, आपका इनर चाइल्ड अभी भी जिंदा है। आपने एडवेंचरस होने की काफी बात की, इसी तरह मशल असमा खालिद का एक सवाल है आपके लिए, वो पूछती है कि आपने सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज कौन सी की, और अगर हम बचपन और टीनेज की बात करें जिसको आप आज भी याद करते हुए बहुत लुत्फंदोज होते हैं। सबसे ज्यादा एडवेंचरस चीज टीनेज में, मुझे टीनेज से भी पहले एक एडवेंचर मैंने सोचा जरूर था, मेरी जरूरत नहीं हुई वो करने की, लेकिन मैं अभी भी उस वक्त सोचता हूँ तो मैं हंसता हूँ, और वो ये है कि मुझे क्लास भी याद नहीं है, गालिबन 5वीं 6वीं 7वीं क्लास थी, इससे ज्यादा बड़ा मैं नहीं था, तो मैंने घर से भागने की ठान ली थी कि मैं आज घर से भाग रहा हूँ, और मैंने ये भी तय कर लिया था कि मैं नहीं नहीं मुझे कोई नंबर कम आए थे किसी इम्तिहान में, या अब्बा ने कोई चीज पकड़ ली थी, मुझे शक था कि शाम को आएंगे तो डांट पड़ेगी, तो मैंने अपने स्कूल में क्लास में 5वीं 6वीं क्लास में अपने तमाम दोस्तों को खुदा हाफिज भी कह दिया था, और मुझे शक है कि मेरी अम्मा और मेरे अब्बा को आज तक इस बात का इल्म नहीं है, तो मैं दोस्तों को खुदा हाफिज किया, दोस्तों ने कहा जा रहे हो, मैं कहा बस ये मेरा आज आखिरी दिन है, मैं कल से कहीं और जा रहा हूँ। तो मेरा पूरा इरादा था कि मैं घर से बोरिया बिस्तर समेट के कहीं निकल जाऊंगा, और मैं कहीं खेती बाड़ी करूंगा, और किसी किसान के घर जाके पनाह लूंगा, और बस वहीं जिंदगी गुजार दूंगा अपनी। लेकिन चूंकि मैं उन लोगों में से, मैंने कहा ना मैं डरपोक भी हूं, और उसके लिए आम इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती है जदीद दुनिया में, उसे कहते हैं मम्मी डैडी, तो मैं बहुत मम्मी डैडी किस्म का आदमी उस वक्त भी था और अब भी हूँ। तो मैं जब घर पहुंचा सामान सामान लपेटने के लिए, तो मुझे डर बहुत लगा कि भाई कहाँ निकलना है और जाना कहाँ है और उसका रास्ता कैसे है और कब तक वहां पहुंचेंगे, वहां होगा क्या। तो फिर मैं घर से भाग सका नहीं, लेकिन मेरा इरादा मेरा पूरा था। मैं जब भी इस बात को सोचता हूँ ना, और मेरा जो 10 साल का बेटा है वो चूंकि अपने बाप की औलाद है, तो वो भी कभी कभी एक आध दफा अगर उसको डांट ज्यादा पड़े अपने बाप से, तो वो भी एक बैकपैक पकड़ के ना, तो वो भी घर से बाहर निकल पड़ता है ड्राइववे के ऊपर के, घर छोड़ के जा रहा है, और फिर वो मुड़ के देखता है, तो अगर कोई देख रहा हो उसको तो फिर वो जाता रहता है कि कोई रोकने आएगा, अगर वो देखे कि कोई नहीं रोक रहा तो मुड़ के वो घर के अंदर वापस आ जाता है। तो मुझे ये, मैं एडवेंचर जो मैंने सोचा मैंने किया तो नहीं, ये मुझे याद है, बाकी एडवेंचर तो खैर बहुत किए उस जमाने में, वो इनोसेंट डेज हुआ करते थे, अल्लाह करे उन लोगों को इल्म ना हो। एक बात मैं सुनाऊंगा, जवाब लंबा हो जाएगा।
और ये ऐसी टीन एज की बात ही है, चूंकि पैसे हुआ नहीं करते थे बिल्कुल, और जो नौजवानों को शौक होता है कि भी कुछ बाजार से कुछ कुछ खाते हैं मजेदार से, अब पैसे नहीं है तो खाते कहाँ से। तो मुझे याद है मेरे एक दो दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ हम तैयार होकर ना, तो हम हर वीकेंड पे किसी भी होटल में या किसी भी जगह गुलबर्ग या किसी भी शहर के हिस्से में किसी भी शादी में चले जाया करते थे, और वहां पे शादी के डिनर में ऐसे शामिल होते थे जैसे हम दूल्हे की तरफ से या दुल्हन की तरफ से। तो हमने बेशुमार ऐसी शादियां जो है उनमें जाके हमने अपनी प्रेजेंस जो है वो फील कराई है, वो तीन चार दोस्तों ने। तो ये मैं किया करता था। अब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इस किस्म की हरकतें कर सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा ये माजी का हिस्सा है, माजी जो है वो बदला नहीं जा सकता। जी, आई थिंक बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं, अब उनको दोबारा सोचना पड़ेगा आपके बचपन की कहानियां सुन के कि आप उनके रोल मॉडल है, मगर बेहतरीन बचपन को ऐसे ही जिंदा रखना चाहिए। एक और सवाल हमारे पास है, ये मोमिना शकील की तरफ से, वो पूछती है कि बचपन में आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है? मेरे ख्याल में उस जमाने में तो स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे, जैसे मैंने कहा ज़हीर अब्बास और इमरान खान भी स्पोर्ट्स के हीरो थे उस वक्त तो। फिर एक्टिंग का बहुत शौक था, एक्टिंग का शौक क्या, वो शायद बचपन में हर किसी को शौक होता है। तो अमिताभ बच्चन के सारे डायलॉग्स याद थे उस जमाने में फिल्मों के, शायद अब भी याद होंगे, और इतनी अक्ल होती नहीं, अरे नहीं इतनी अक्ल होती नहीं है कि इंसान जो है वो किसी, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि ज़हीर अब्बास या अमिताभ बच्चन वो लोग नहीं है, लेकिन इंसान जरा कोई मुस्तनद और बड़ा रोल मॉडल ध्यान में रखे। और जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं रोल मॉडल, जिस तरह की वो इतने खुश्क तरीके से पढ़ाए जाते हैं कि उनसे इंस्पिरेशन हासिल नहीं होती नौजवानों को, वो तो बड़े होकर जब आप पढ़ते हैं यू नो कायद हैं या इकबाल का कलाम है जो जो सिलेबस में शामिल नहीं है, तो फिर अंदाजा होता है कि यार किस किस कैसे जबरदस्त ये लोग थे। उस जमाने में तो जाहिर है सिर्फ ग्लैमर और फैशन से ही यंग लोग इंस्पायर होते हैं, या कम से कम मैं तो उस वक्त इंस्पायर हुआ करता था। तो अमिताभ बच्चन और ज़हीर अब्बास और इमरान खान मेरे ख्याल। राइट, सो स्कूल और निसाब की बात थोड़ा सा वहाँ वापस चलते हैं। तो आपने कहा बहुत अच्छे थे, मगर आई होप कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत क्यूट बच्चे थे, कौन से मजामीन आपको बहुत पसंद थे जिसमें आप बहुत अच्छा करते थे, किन मजामीन से बहुत डर लगता था और मुसलसल फेल होते? मुझे कोई मजमून पसंद नहीं था। मुझे उर्दू पढ़ने से बहुत कोफ्त हुआ करती थी, और इसमें एक दिलचस्प बात यह कि मैं अब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये तरगीब देता हूँ कि उर्दू पढ़ा करो भाई, हालांकि खुद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था बचपन में उर्दू, कहानियां पढ़ता था लेकिन सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल शौक नहीं था उर्दू। फिजिक्स से मेरी जान जाती थी, आज भी जाती है, मुझे आज तक नहीं पता कि करंट कमबख्त क्या होता है और ये थ्योरम्स क्या होते हैं और वेलोसिटी क्या होती है। मुझे आज भी आप पूछेंगे तो मुझे डेफिनेशन तो पता होगी उसकी, मुझे आज भी मेरे ये जो खोपड़ा है इसके अंदर फिजिक्स के जो लॉज हैं वो नहीं जाते, जो न्यूटन भाई ने 16वीं सदी में दरियाफ्त कर लिए थे। केमिस्ट्री में मैं कुछ ठीक था, हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे केमिस्ट्री के, उन्होंने ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाई, इतनी मोहब्बत और डंडे का ऐसा खूबसूरत इम्तजाज किया उन्होंने पढ़ाने में कि मुझे आज तक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो केमिस्ट्री का मुझे शौक था। बायोलॉजी मुझे पसंद थी क्योंकि मुझे उस वक्त अंदेशा था कि शायद मैं डॉक्टर बन जाऊं, मुझे क्या मालूम था कि बड़े होके डॉक्टर तो नहीं लेकिन मैं मरीज बन जाऊंगा, लेकिन बायोलॉजी मुझे आसान लगती थी और दिलचस्प लगती थी। बाकी मुझे मैथमेटिक्स तो बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आया कि क्या है। और फिर वो चूंकि जैसे मैंने कहा कि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पर जो टीचर्स भी हुआ करते थे वो इस कदर खुश्क हुआ करते थे, इतने वो जिंदगी से अपनी आवाजार हुआ करते थे कि उनकी आवाजारी जो है वो बच्चों तक मुंतकिल होती थी, और बच्चे क्लास में अगर 80-90 हों जो कि हुआ करते थे, और गर्मी ऐसी हो जैसी कि लाहौर की होती है, और उस जमाने में एसी वैसी तो थे ही कोई नहीं, तो एक दो पंखे हुआ करते थे, तो बहुत माहौल जो था क्लास का बहुत तकलीफ दे था, तो उसमें इंसान क्या सीखेगा और कौन सा मजमून पसंद करेगा। जी, एक एक क्लासरूम के अगर दो अज़ा को देखा जाए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसमें एक निसाब है और दूसरा टीचर है, और दोनों की आपने बात की कि दोनों की खुशकी की बात की, थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अब आपके भी बच्चे हैं उनका भी निसाब आप देखते हैं जो वो पढ़ते हैं, एक अच्छा निसाब, एक अच्छा करिकुलम, किताबें किस तरह का होना चाहिए वो बच्चों को, आजकल के बच्चों को या
21वीं सदी की जब हम बात करते हो, किस तरह के स्किल्स हैं जो बच्चों में उस हिसाब से उनको सीखने चाहिए? जोहेब, ये मेरी बड़ी दुखती रग छेड़ दी आपने, और मैं इस पे पूरी रात गुफ्तगू कर सकता हूँ, पर करूंगा नहीं। आपने घबराना नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हर तरह का जो निसाब है उसको बच्चों की जिंदगी से अलग कर देना चाहिए, हर तरह के निसाब को, वो किसी भी मजमून का है। चूंकि हर बच्चा फर्क है, हर बच्चे का मिजाज फर्क है, हर बच्चे की तबीयत फर्क है, इसलिए टेलर मेड निसाब होने चाहिए बच्चों के लिए। ये पहली बात। अच्छा, मकसद क्या है उसका? उसका मकसद ये है कि बच्चों में सीखने की और तजस्सुस की तहरीक पैदा हो, ये मकसद है उसका। अगर निसाब पढ़ने के बाद बच्चे ये कहते हैं कि उर्दू जुबान पढ़नी ही नहीं चाहिए, और अगर बच्चे जो हैं वो जो उन्होंने 2-3 शोरा पढ़े हैं उर्दू के निसाब में, उसके बाद वो कभी शायरी नहीं पढ़ते, अगर जो उन्होंने मैथ्स पढ़ा है उसके बाद कभी वो मैथ्स नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये है कि निसाब जो है वो फेल हो चुका है। और मुझे अंदेशा ये है कि पाकिस्तान में अगर बेशतर नहीं तो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे कि जो जिनमें जो निसाब है जो वो पढ़ते हैं, और वो टीचर्स भी, बजाय ये कि बच्चों में सीखने की तहरीक पैदा हो, बच्चे जो हैं वो उस मजमून से मुतनफर हो जाते हैं। मुझे ये अंदेशा है। अगर आप 100 में से 99 बच्चों का इंटरव्यू करें और पूछें भी आपको कौन से मजमून पढ़ने मजा आता है, मुझे अंदेशा ये है कि बहुत कम बच्चे होंगे जो किसी मजमून का नाम लेंगे। हालांकि चाहिए ये कि बच्चों को हर मजमून में लुत्फ आए। तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये तो पता नहीं किसने इसको डिजाइन किया है, एक तो वो, और दूसरे जो वालिदैन जो बच्चों को झोंक देते हैं जाके स्कूलों में कि भाई 6-8 घंटे हम जान छोड़ें, और जब बच्चा थका हारा वापस आए तो उसको ट्यूशन भेज दें, क्योंकि नंबर चाहिए ना, अगर नंबर नहीं आएंगे तो बच्चा नाकाम हो जाएगा। ये जो वालिदैन ने बच्चों के साथ सलूक रवा रखा है वो भी बहुत मेरे खिलाफ हो, उसकी एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो स्किल्स क्या है। अगर आप इसके ऊपर जितनी भी तहकीक हुई है मगरिब में कि वो स्किल्स क्या है भाई जिंदगी में जो चाहिए, तो क्या वो सिखाई जाती है स्कूलों में? तो उसमें से तो कोई स्किल ऐसी नहीं है जो सिखाई जाती है स्कूलों में, क्योंकि आपने, मैंने, आज के बच्चों ने जो इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, केमिस्ट्री आज पढ़नी है, ये तो बिल्कुल रिडंडेंट हो चुकी हुई ऑलरेडी। तो आज से 10-20 साल के बाद जब वो बड़े होके मार्केट में जाएंगे तब तो बिल्कुल रिडंडेंट होगी। स्किल ये चाहिए कि सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न, लर्न हाउ टू लर्न, ये एक स्किल होनी चाहिए बच्चों में। और खुद तहरीक हो, तजस्सुस हो सीखने का, यार कुछ नया सीखते हैं आज, कुछ नया सीखते हैं, और इसलिए नहीं कि उसका इम्तिहान है या उसमें नंबर आएंगे या टीचर डंडा मारेगा, इसलिए कि सीखने का अमल जो है उससे बहुत लुत्फ आता है, और इंसान की तरक्की इसी तरह हुई है कि इंसान को सीखने का शौक है भी। तो मुझे ये लगता है कि ये 2 स्किल्स, और फिर जाहिर है जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं कि बोलना कैसे है, वोकैबुलरी क्या होती है, जुबान का इस्तेमाल कैसे करना है आपने, किसी के इमोशंस के साथ कैसे आपने उस पर तवज्जो कैसे देनी है, किसी का लिहाज कैसे रखना है। और एक आखिरी बात, और वो ये है कि एक चीज होती है उसे कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसको हम कहते हैं कि कोई इंसान बा किरदार है। एक तो मैं आसपास देखता हूँ इस माशरे में तो किरदार की तो गुफ्तगू ही कोई नहीं होती, नोबडी केयर्स अबाउट कैरेक्टर एनीमोर, नोबडी इवन नोज व्हाट कैरेक्टर इज, तो इसके ऊपर तो क्लास ही कोई नहीं होती किसी स्कूल किसी कॉलेज में, इंग्लिश उर्दू मैथ्स पे क्लास ही होती। अरे भाई, आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसको जमा तफरीक आता हो, या ऐसा इंसान चाहिए जो बाकिरदार हो? इसमें से कौन सा इंसान चाहिए आप? तो मेरा ख्याल है कि किरदार की तरफ तवज्जो है वो देना जरूरी है। और मजामीन तो बच्चे जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक वो सीखते हैं 10 साल में, वो 6 महीने में सीख लेंगे यार। तो इसलिए मैं बहुत खिलाफ हूँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के। जी, आपके और हमारे ख्याल बहुत मिलते हैं। जब मैं हमारे बोलता हूँ तो मेरा मकसद TCF है। आपको बताता चलूँ कि TCF का अपना निसाब है जो कि हमने बनाया है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज से 10-20 साल बाद दुनिया कैसी होगी इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आज से 10 साल पहले जो दुनिया थी उसको अगर आज से हम मुवाजना करें तो बहुत सारी चीज़ें हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह होंगी। तो बच्चों के पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए जो इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में उनको आगे बढ़ने में मदद दें। तो हमने जो फ्रेमवर्क बनाया है जिसके तहत निसाब और तमाम मजामीन डिज़ाइन हुए हैं, उसको हम 5 C's कहते हैं, या अंग्रेजी का सी है। ये 5 C's हैं जी: क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कोर वैल्यूज, आपने किरदार की बात की तो कोर वैल्यूज, और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे आपने बातचीत करना और वोकैबुलरी का इस्तेमाल।
सो ये 5 C's हैं जिसके जिसके साथ TCF का पूरा निसाब बना हुआ है। और जो दूसरी बात आपने की कि क्लासरूम के बारे में जहाँ बहुत ड्राई हो जाता है वो टीचिंग है, तो आपको बताता चलूँ कि TCF में तमाम टीचर्स की डिटेल ट्रेनिंग होती है जिससे उनको सिखाया जाता है क्लास को किस तरह बेहतरीन क्लास बनाना है और किस तरह इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चे उसमें हिस्सा भी लें और उससे मुस्तफीज भी हों। तो ये कोशिश हमारी है अपने स्कूल्स में कि हम तालीमी मैार को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मगर टीचर्स की अगर बात करें तो फिर भी कोई ऐसा टीचर, कोई रहबर, कोई रहनुमा आपको मिला हो बचपन में जिसने आपकी शख्सियत निखारने में कोई किरदार अदा किया हो या जिन्होंने कभी आपको मार बहुत दी हो? सो आइदर वे कोई ऐसे यादगार शख्सियत? मारपीट के तो हैं सीनियर सेक्शन में, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को एक मिसाल दिया करता हूँ। जो फीमेल टीचर्स थी क्लास 1 से लेके, बल्कि KG से लेके क्लास 5 तक, वो भी मुझे अब तक याद है। हालांकि मेरा जो बेटा है वो अब जाने लगा सीनियर सेक्शन में, लेकिन आप देखें कि उन्होंने जो मेरी टीचर्स थी उनका कितना गहरा नक्श है कि मुझे आज भी वो याद है। सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ और कि इस तरह पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो जो शख्सियत है उनका नाम था मिसेस जाफरी, और वो हमारी टीचर नहीं थी, वो हेड मिस्ट्रेस थी। तो वो कभी कभी महीने में एक दफा क्लास में आके जायजा लिया करती थी। तो मुझे वो क्लास याद है, मैं KG क्लास में था, इस बात को मैं खाली कुछ 40-42 बरस हो गए, और ABC हम पढ़ रहे थे उस दिन, और हमारी क्लास टीचर थी मिस फरजाना। तो एकदम से पता लगा जी मैडम आ गई क्लास में, वो सबका खून खुश हो गया कि मैडम आ गई, सब खड़े हो गए और मैडम को सलूट किया, जो भी करते थे अस्सलाम वालेकुम। तो मिसेस जाफरी ने बोर्ड पे देखा तो ABC लिखा हुआ था, तो उन्होंने हम बच्चों से कहा कि आपने जिस तरह मैं पढ़ूं इस तरह आपने पढ़ना है। तो उन्होंने जोर से कहा कि ए, तो सब बच्चों ने जोर से कहा कि ए, फिर उन्होंने सरगोशी में कहा कि बी, तो सब ने सरगोशी में कहा बी, फिर उन्होंने जरा सी नॉर्मल आवाज में कहा कि सी, सब ने कहा सी, और फिर वो चली गई। मुझे आज तक ये बात नहीं भूली कि कोई बात कहने के कितने अंदाज होते हैं, चीखने चिघाड़ने से लेके तो सरगोशी और नरमी तक, और ये सारे एक शेड्स होते हैं आपके गले के। KG में 5 मिनट के लिए वो क्लास में आई थी, मुझे आज तक उनका ये लेसन याद है। आप देखिए कि किस कदर अहम होता है किसी किसी टीचर का जो रोल इस बच्चे के सीखने में। तो अगर ऐसे टीचर्स हों जो इस बात को समझ सकें, बजाय ये कि हम रट्टा मार लें कि ये ए है और ये बी है और ये सी है और ए एप्पल होता है, बी से बॉल होती है, अगर ऐसी कोई चीज जो बच्चे की नफसियात समझें और फिर सिखाएं, तो क्या बात है। ब्रिलियंट। सो तीसरा जो एलिमेंट क्लासरूम में होता है निसाब और टीचर के अलावा, वो हमारे दोस्त। तो आप आगे बैठते थे क्लास में या बैक बेंचर थे? दोस्तों के साथ मिलके कौन सी शरारतें करते थे? कोई दोस्त जो अभी भी आपके दोस्त हैं, जो आपको बचपन में नर्सरी KG क्लास 1-2 में मिले हों और आज भी आपके साथ? KG 1-2 के दोस्त नहीं है, लेकिन नॉर्मली के एक तो दोस्त ऐसे हैं जो अब भी मेरे दोस्त हैं। हालांकि उनसे दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए बड़ा कठिन बन रहा था कि उनके साथ मैंने दोस्ती कायम रखी हुई अब तक, और गालिबन उनका भी मेरे बारे में यही ख्याल होगा कि इससे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो कायम है। लेकिन शरारतें हम ये किया करते थे उस जमाने में कि थोड़ा सा कागज फाड़ के उसको चबा के तो किसी को मारा करते थे, या फुट्टे में रख के ऐसे जोर से गुलेल की तरह मारा करते थे। तो ये तो जाहिर है बहुत आम था। और फिर जब हम 5वीं से 6ठी क्लास में गए तो पेंसिल की जगह पेन आ गए थे, तो अब पेन से लिख रहे क्योंकि हम बड़े हो चुके थे। तो फिर हम अपने साथ बैठा हुआ या आगे बैठा हुआ या ब्रेक में किसी को या असेंबली में खड़े, तो अगला शख्स हुआ करता था उसकी कॉलर के ऊपर कोई बुरी सी बात लिखा करते थे कि मैं फ्रॉडिया हूँ या मैं झूठता हूँ या 420, ऐसी बातें लिखा करते थे, ये किया करते थे। और फिर कोई ना देख रहा हो तो पेन की स्याही, फाउंटेन पेन हुआ करता था, तो उसकी स्याही उसके ऊपर ऐसे करके फेंक दिया करते थे ताकि उस छींटे पड़ जाए स्याही के। और मैं बिल्कुल फ्रंट पे बैठा करता था अपने, तकरीबन थ्रू आउट मैंने स्कूल में बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, जैसे मैंने कहा मैं तमाम टीचर्स का पसंदीदा हुआ करता था, तो फ्रंट रो पे मैं बैठा हूँ ऑलमोस्ट सारी उम्र यहाँ पे भी। और जब मैं पढ़ने बाहर गया तब भी मुझे शौक था कि भी क्लास में सबसे आगे बैठते हैं, पता नहीं आगे निकलने का शौक था, वो निकल तो नहीं सके लेकिन बाहर कम से कम शौक पूरा हो गया आगे बैठने। आपकी शर्ट पे कभी किसी ने पीछे कुछ लिखा और क्या लिखा? बिल्कुल वही लघवियात जो मैंने अभी जिक्र किया। जाहिर है जब आप स्कूल में पढ़ते हो
तो वो जो किसी के लिए गड़ाक होता है खुद भी गिरता है उसमें, तो मुतअद्दिद बार कॉलर के ऊपर लिखा गया और कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई जो मैं पब्लिक में नहीं बता सकता आपको, और ऑल बॉयज स्कूल हो तो आप अंदाजा कर लें कि क्या लिखा गया, लेकिन बिल्कुल लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया जी, मैं अंदाजा नहीं करना चाहता, बहुत शुक्रिया। सही, जब आप स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन कर रहे थे तो ये एक बड़ा जबरदस्त वक्त होता है जिंदगी में, जब आई थिंक एक टीनेजर अपनी शनाख्त भी उस वक्त ढूंढ रहा होता है और आसपास के इन्फ्लुएंसेस बहुत होते हैं जो उसको बताते हैं कि किस तरह की शख्सियत तुम्हें बनना है। तो उस वक्त को अगर आप याद करें तो कैसा था, जब आपने ये बताया कि 11-12 साल की उम्र में भी आपको कुछ सही पता नहीं था कि पैसा आप कौन, बट आई एम श्योर इस टाइम तक पता चल गया होगा, तो उस वक्त क्या तब्दीलियां आई, किस तरह से सोच बदली, और उस वक्त को अगर आप याद करें। तो मैंने अपने मैट्रिक के बाद के जो 4 साल थे ना, इंटर और उसके बाद फिर बीए के, वो मैंने बिल्कुल जाया की, बिल्कुल जाया की, क्योंकि आप समझें कि स्कूल की कैद से निकले हैं और कैद से तो निकल आए हैं और एक आजादी सी मिली है, लेकिन आजादी के साथ जो जिम्मेदारी है उसका एहसास ही नहीं है। तो मैंने बिल्कुल क्लासें नहीं पढ़ी, कॉलेज को स्किप किया, कुछ सीखा वीखा भी कुछ नहीं, किसी तरफ तवज्जो नहीं दी, वक्त बहुत मैंने जाया किया। मुझे उन 4 सालों का बहुत अफसोस है कि मुझे दोबारा अगर मैं मौका मिले तो मैं इतना कुछ सीख लूँ एफएससी में और बीए के उन 4 सालों में। और बिल्कुल आपको अगर ये अंदेशा है कि मुझे अकल जो है वो इतनी जल्दी आ गई थी जिंदगी में कि मैंने फैज साहब जैसी शख्सियत को पहचान लिया होता, तो बिल्कुल आप मुझे इतनी इज्जत मत दें। मुझे बहुत देर में ख्याल आया फैज साहब का कलाम जो है उसकी अहमियत क्या है, मुझे बिल्कुल कॉलेज में ख्याल इस बात का नहीं आया। फिर जब मैं मास्टर्स कर रहा था वो 4 साल निकालने के बाद, फिर मुझे ख्याल आया कि यार जिंदगी भी कुछ चीज़ है और करियर भी कुछ होता है और कुछ पढ़ना चाहिए और कुछ जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। तो मैंने एफए बीए तो बिल्कुल अपने जाये की, मुझे बहुत अफसोस इस बात। अच्छा, ये वो वक्त भी होता है जब आप उस वक्त भी ऑल बॉयज कॉलेज में थे, तो लड़कियों के कॉलेज के बाहर चक्कर लगते थे या कुछ खवातीन उस वक्त आपको पसंद आई? आपको मालूम है कि मेरी बेगम और मेरी वालिदा और गालिबन मेरे वालिद साहब और मेरा पूरा ससुराल मुमकिन है कि ये प्रोग्राम देख रहा हो, अगर नहीं भी देख रहा तो आइंदा मुस्तकबिल में या बई में वो देख सकते हैं। हाँ नहीं, वो उस जमाने तो जान चुके हैं, वो ये तो जान चुके हैं कि आप घर से भागने वाले थे, तो ये भी जान जाए। और वैसे भी अब तो पानी सर से गुजर चुका है, अब क्या बेचारे कर पाएंगे। तो नहीं, उस जमाने में जो भी मेरी तरह के नौजवान हुआ करते थे, जनको जवानी बिल्कुल नई नई चढ़ा करती थी, वो सब लाहौर शहर के खवातीन के कॉलेजों के बाहर पाए जाते थे छुट्टी के वक्त। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये सब का शेवा हुआ करता था और मेरा भी हुआ करता था। तो इसमें ऐसी क्या शर्मिंदगी की बात है कि जब अपने कॉलेज, हम तो खैर जाते नहीं थे कॉलेज, तो कभी चले भी गए तो जो टाइमिंग है कॉलेज से निकलने की उसका ताल्लुक गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी से है कि जब गर्ल्स कॉलेज में छुट्टी होगी तो हम भी निकल पड़ेंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। अच्छा, खड़े होके करना भी कुछ नहीं है ना, एक तो करना भी कुछ नहीं है, फिर करने की हिम्मत भी कोई नहीं, ना किसी से बात करने की हिम्मत है, और कभी कोई अगर कोई बात करने की कोशिश करे इतना डर लगे कि हाथ कांपते और पसीने छूट जाए, जो अब कभी पसीने छूटते हैं बुलादाबाद। लेकिन हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि वो जवानी जब नहीं चढ़ी थी उस जमाने में तो चक्कर लगा करते थे गर्ल्स कॉलेज के, जिसमें क्या शर्मिंदगी की बात है। दिल तो कह रहा है कि इन बातों की गहराई में जरा उतरे, मगर थोड़ा सा दूसरों के सवाल भी ले लेते हैं। एक कमेंट है आयशा इमरान, ये कहती है, शायद आप जानते हो, अदील उमर हाशमी वॉज एक्सीलेंट इन इंग्लिश क्रिएटिव राइटिंग, ही वॉज नॉटी एंड यूज टू एंटरटेन अस इवन इन ग्रेड 5, used to sing, recite poetry too, और बाल लंबे रखे होते थे, चाहे सजा मिल जाए। क्या ये सही बात है? ये बात सही है। आयशा इमरान मेरी क्लासमेट थी, मुझे याद आ गया, क्लास 4th or 5th में, और बाल मेरे लंबे थे क्योंकि मेरे अम्मा बा को अजीब एक खब था, वो ये था कि चूंकि मैंने आपको कहा ना मेरी गला खराब रहा करता था, तो उनकी एक अजीब मंतक थी कि बाल लंबे होंगे ना तो सर गर्म रहेगा तो गला खराब नहीं होगा। तो मुझे इतनी तंगी हुआ करती स्कूल में कि हर टीचर हर बच्चा मेरा मजाक, क्योंकि बाल काफी लंबे, गर्दन तक लंबे और कंधे तक लंबे, तो वो बाल लंबे मेरे हुआ करते थे उस जमाने में। और बिल्कुल आयशा ने सही कहा कि वो मुझे अभी याद आया, इंग्लिश की क्लास थी और मिस परवीन हुआ करती थी हमारी उसकी टीचर, और मिस मदान हुआ करती थी, दो टीचर्स हुआ करती थी,
और कभी कभी जब पढ़ाई का मूड ना हो तो मिस प्रवीण गाने की फरमाइश किया करती थी, तो कुछ लोग कुछ गाना गाते थे, तो मुझे भी शौक था, मैंने भी गाने दो तीन दफा क्लास पर खड़े होके आवाज बुलंद गाए हैं, जिसमें एक गाना था रिम झिम पड़े फुआर तेरा मेरा नित का प्यार, क्या मुझे याद करा दिया आपने। तो तरंदम में हो जाए। नहीं नहीं जाने नहीं जाने, इतना अच्छा गाना है वो, उस गाने के साथ ये सलूक ना करें। अच्छा जी, एक और सवाल है मुजना की तरफ से। आपने स्कूल का तो बताया कि वहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग पे इतना फोकस नहीं, मगर इनका सवाल इसी तरह कि क्या जब आप बड़े हो रहे थे तो घर में किस तरह आपके अपने घर में कैरेक्टर बिल्डिंग पे किस तरह का जोर दिया जाता था और उसका कोई किस्सा। अक्सर हमारे यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह भी होती है कि जितने ज़्यादा थप्पड़ पड़े तो उतना बच्चा सीधा हो जाता है, तो मगर आपके पास कोई और किस्से होंगे। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। दिलचस्प बात यह है कि हमारे घर में कभी इस पे गुफ्तगू नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक अजम्पशन थी, एक अंडरस्टूड बात थी कि जिंदगी की कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पे कोई बहस नहीं होती, जो सीखने सिखाने की नहीं होती, वो बस इंसान को इल्म होता है कि झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, चोरी नहीं करनी, इस किस्म की बातें। और एक्चुअली उस जमाने में घर, खैर क्या, मेरा इंप्रेशन ये था जब मैं छोटा हुआ करता था, अब भी हूँ अकल के लिहाज से, सिर्फ जिस्मानी तौर पर बढ़ा हूँ, मेरा अंदेशा ये था कि सारी दुनिया का हर शख्स जो है वो ईमानदार है और बाकिरदार है, क्योंकि वो माशरा उस जमाने में बिल्कुल ऐसा हुआ करता था, कोई झूठ बोलता ही नहीं था, कोई चोरी करता ही नहीं था, कोई कत्लो गारत थी ही नहीं, कोई बेहूदगियां होती ही नहीं थी, कोई अपने आप की खुद नुमाई को करता ही नहीं था, सब लोग अच्छे हुआ करते थे, सब लोग मिलनसार हुआ करते थे, सब लोग दूसरे की मदद किया करते थे, सब लोग तहम्मुल से बात सुनते थे, झगड़े झगड़े हमने कभी सुने नहीं, झगड़े कि झगड़े होते हैं कि सड़क के ऊपर अगर गाड़ी की टक्कर हो जाए हल्की सी तो झगड़े होते हैं सड़क के ऊपर, ये हमारे सोच भी नहीं सकते थे हम, हालांकि स्कूल की छुट्टी के वक्त रश था, लेकिन कभी भी मैंने सुना कि लड़ाई हुआ करे, और क्लास में लड़ाई भी बहुत ही कम हुआ करती थी, तो मुझे लगता है कि वो माशरा ही वो कुछ और था, तो उसमें कोई मार पिटाई से कुछ सिखाना थोड़ी होता है कि अपने आप को ऐसे करो ऐसे ना करो, वो तो माशरा जैसा होता है वैसे हम भी हुआ करते थे, तो मुझे तो ये मालूम था कि मेरे घर का हर शख्स जो है वो ईमानदार है और मुझे भी ऐसे ही बनना है, क्योंकि मुल्क का हर शख्स ईमानदार है और हमें ऐसे ही बनना है, वो तो पता नहीं क्या हुआ बीच में आके कुछ की ईमानदारी जो है वो कुछ पसे पुष्ट होगी, ना सिर्फ ये कि पसे पुष्ट वो चली गई, बल्कि जो ईमानदार हो उसको या कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, या तुम्हें मौका नहीं मिला खुद बुद करने का, या तुम्हें अकल नहीं है, या तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, ये पता नहीं कब हुआ इस माशरे में, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। एक छोटी सी बात थी, दिलचस्प बात थी, और वो ये कि आप सोचें कि हम जिस इलाके में रहते थे, अभी वहीं रहते हैं मॉडल टाउन में, तो मुझे नहीं याद कि पूरे बचपन में हमारा जो गेट था घर का जो सड़क पर खुलना है वो कभी बंद भी हुआ हो, बल्कि हमारे मोहल्ले में किसी का गेट बंद होता ही नहीं था, 24 घंटे गेट खुले रहते थे, बिल्कुल चौपट खुले रहते थे, बंद ही नहीं होते थे, क्योंकि जरूरत ही नहीं बंद करने की, क्योंकि अंदर आता ही कोई नहीं था उस वक्त, तो बंद करने की जरूरत क्या है। और आप देखें 20-25-30 साल गुजरे उस बात को, और अब शायद ही आपको शहर में कोई ऐसा इलाका नजर आए जहां पे गेट खुला नजर आ जाए, क्योंकि अब गेट हमने ना सिर्फ ये गेट बंद कर दिए, दीवारें थी ऊंची कर दी हैं और गार्ड्स रख दिए और गनमैन रख दिए, ऊपर खारदार तारें लगा दी हैं, तो ये तो 20-25 साल में हुआ, तो इसलिए वो जो किरदार की बात है वो घर से तो इंसान सीखता ही है, लेकिन घर के बाहर की जो दुनिया है उससे भी तो बहुत कुछ सीखता है, जब आप दुनिया अपने आसपास की देखें कि हर कोई जो है वो बाकिरदार है और मोहब्बत से रहता है, तो आप में भी वो सिफात आनी चाहिए। जी, बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि ये सवाल ही क्यों पैदा हो कि भाई किरदार में ये बात भी बतानी जरूरी पड़ जाए कि आप सच बोल रहे हैं और आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का हक नहीं मारना। आजकल तरबियत को हमने आउटसोर्स किया हुआ है स्कूलों में, बट ये तरबियत घर में होना भी बड़ी जरूरी, मगर माशरे को इसकी शायद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात। कुछ आपसे क्विक फायर क्वेश्चन करूंगा, उसका जवाब हाँ या ना में देंगे आप, और अगर मैं किसी जवाब के जवाब में बोलूँ कि और बताइए तो उसकी तफसील बताएंगे। ठीक है, कुछ 4-5 सवाल ऐसे करेंगे और फिर एक आध सवाल हमारे पास और हैं जो हमारे नाज़रीन ने भेजे। ठीक है जी, चोट लगी सबसे पहले कब बचपन में? हाँ, दो छोटे मुझे याद हैं, हम इसके जवाब के नाम तो आपने पूछा कब लगी। हाँ बताएं और बताएं। एक दफा मैं ब्रेक में भाग रहा था स्कूल में, क्लास 3 या 4 में, और मेरी उंगली ऐसे किसी के कंधे पे लगी तो बिल्कुल पीछे मुड़ गई,
तो बहुत शदीद दर्द हुई मुझे, आज तक मैं सोचता हूँ तो मैं मुझे दर्द से मैं कराह जाता हूँ। तो मेरी उंगली जो थी वो सूज गई और वो नीले रंग की हो गई काफी हफ्ते, इतनी कि मैं हाथ को हिला नहीं सकता था अपने। तो वो जो तकलीफ है, तो आज भी कभी अगर कोई मेरी उंगली को छुए तो मैं एकदम से ऐसे करता हूँ, तो वो कहता है क्या हुआ है? तो मुझे वो चोट याद आती है क्लास टू या क्लास थ्री की, जब मेरी उंगली सूज गई थी, तो वो चोट मुझे अब तक याद है। वैसे दिल की तो बहुत चोटें लगी हैं, वो भी याद है, लेकिन जहरी चोट मैंने बता दी आप जी। वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी बेगम ये प्रोग्राम देख रही हैं। हाँ या ना को जरा कैंसिल करते हैं इसको आसान रखने के लिए। पहली लड़ाई कब और किसके साथ? मुझे बिल्कुल याद नहीं है लड़ाई। मैं तो क्योंकि मैंने कहा ना मैं डरपोक बहुत हुआ करता था, और मैं जिस स्कूल में था वहां पे तो बड़े बड़े बदमाश पढ़ा करते थे मेरे साथ, जो जमींदारों के बच्चे और बदमाशों के बच्चे और गुंडों के बच्चे, तो मैं तो बहुत ही मम्मी डैडी था स्कूल में। तो मुझे बचपन या जवानी में तो कोई लड़ाई ऐसी याद नहीं है। हाँ, अधेड़ उम्र में आके लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो लड़ाई कोई मौके वोके वाली तो होती नहीं है, वो तो ऐसी होती है कि बस मैं बात नहीं कर रहा उससे, तो इस किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मुझे वो हाथापाई वाली लड़ाई जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं कभी याद, कभी हुई भी हो किसी के साथ। सबसे पहला शदीद खुशी का लम्हा? मेरे ख्याल में क्लास टू में मैं सेकंड या थर्ड आया था, वो खुशी का लम्हा है। लेकिन क्लास फिफ्थ में, जिसमें अभी आयशा फरमान ने जिक्र किया, क्लास फिफ्थ के फाइनल में मैं सेकंड आया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था, मुझे अभी भी याद है। बल्कि उस क्लास का वो जो मैंने आप बता रहा हूँ क्लास फिफ्थ का जो सर्टिफिकेट है मार्कशीट, वो अब भी मेरे पास मौजूद है, और मेरे 563 नंबर थे 600 से। तो मुझे वो अभी भी मैं सोचता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे पहले डांट किस बात पे पड़ी किसी टीचर से? क्लास टू में पड़ी थी मुझे, वो टीचर की शक्ल तो मुझे याद है, नाम मुझे उनका भूल गया। तो मैंने कोई बहुत फजूल सी बात कागज पे लिखी थी और मैंने वो किसी की तरफ फेंक दी थी। अब वो टीचर ने देख लिया तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया वो पास कागज और वो कागज ले लिया। तो जब वो पढ़ा उन्होंने, तो उसमें जाहिर है कोई बहुत खूबसूरत बात नहीं लिखी हुई, तो उन्होंने मुझे 2-3 लगाई थी मेरी ही कॉपी से, गत्ते की कॉपी थी, मैंने 2-3 यहाँ 2-3 यहाँ लगाई थी काफी जोर जोर से। तो वो मुझे याद है क्लास टू में पहली दफा। तो आपके साथ ऐसा होता था तो आप कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे या आपको कोई मैटर ही नहीं करता था कि यार मेरे साथ? नहीं, दोनों ही नहीं, कुछ कुछ दरमियान ही रास्ता खाता था मैं कि चलो एक का दिन खाना नहीं खाते यार, ये चलो दोपहर में खाना नहीं खाते शाम में खा लेंगे। लेकिन ये भी नहीं था कि कोई असर ना हो, मुझे तो आज तक याद है वो बात, तो असर तो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि मैंने एहतजाज में खाने ना खाया। ठीक है जी, अब कुछ सवाल जो हमारे नाज़रीन ने हमें भेजे। सारा कुरैशी कहती हैं कि अगर जिंदगी आपको चांस दे तो अपने स्कूल के दिनों को दोबारा जीना चाहेंगे, उसमें कुछ तब्दील करना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अपना बचपन याद नहीं करता, और मुझे अगर मौका मिले तो मैं हरगिज अपने माजी में नहीं जाऊंगा, और स्कूल के दिन है वो तो बिल्कुल रीलिव जिसे कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जब भी कभी सोचता हूँ कभी कभी, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो दिन जो थे वो ख़त्म हुए और अब स्कूल में कभी नहीं जाना, और बल्कि मैं जो स्कूल है मेरा बचपन का उसके बहुत करीब रहता हूँ। तो मैंने कई दफ़ा सोचा कि अब बहुत अच्छा हो गया, ज़रा चल के देखें वैसी क्लासेस को, तो मैं तो अब भी नहीं जाता स्कूल देखने के लिए, तो कि चॉइस मिले तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, बल्कि अम्मा अब्बा से कह दूंगा कि जो सलूक करना है आपने करें, मैं स्कूल ही जाऊंगा। या खुदा, ये कौन सा स्कूल है? रबिया जीशान भी पहुंच रही है, पूछ रही है कि आपके स्कूल का नाम क्या था? रबिया जीशान, आपने किसी को नहीं बताना ये बात, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा वो स्कूल होगा, मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं है, और वो स्कूल लाहौर शहर के इलाके मॉडल टाउन का एक बड़ा स्कूल है, उसका नाम है डिविजनल पब्लिक स्कूल, जो DPS के नाम से उसको दुनिया और चांद पे रहने वाले लोग जो हैं वो जानते हैं। ठीक, महासिद्दीकी पूछ रही हैं कि हम एक कैपिटलिस्टिक दुनिया में रहते हैं और आपने फैमिली प्रेशर्स के बावजूद अपना रास्ता बनाया और आपका जो शौक था उसी को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश की,
आजकल की जो जनरेशन है, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि वो अपना पैशन परसू करें या जो ज्यादा लुक्रेटिव प्रोफेशंस होते हैं माली अंदाज से उनके पीछे जाएं? महा, ये तो बहुत ही आसान सा फैसला है। फैसला आसान है, उस फैसले पे अमल दरामद करना आसान नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल है ना सिर्फ ये कि आज के बच्चे बल्कि आज के बड़े जो हैं, वो चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे कोई नौजवान हो जुहेब शेख की तरह का, कोई भी हो, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक इक्तसादी मसला रहता है बहुत से लोगों के साथ जिंदगी में। ये एक एक रियल प्रॉब्लम है मनी की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंसान को हर वक्त अपने पैशन को या शौक को तरजीह चाहिए किसी भी ऐसे काम पे कि जो सिर्फ पैसे के लिए जाए। तो जाहिर है पैसा जरूरी है, और उसको किसी तरीके से अगर हम महदूद कर दें कि भाई मैं इतना वक्त इसको देता हूँ ताकि मेरी वो जरूरियात पूरी कर दे, लेकिन काम तो वही करना चाहिए जिसका शौक हो या जिसमें दिल लगे। तो आप सोचें कि एक ही जिंदगी है, कुछ घंटे हैं यहाँ से, तो अगर तो आप बिल्कुल भूखे नहीं मर रहे तो फिर तो आपको अपने पैशन के ऊपर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से काम किए हैं कि सिर्फ पैसे लिए जाना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, करना पड़ता है, लेकिन मुझे उसमें से कोई याद नहीं है काम, और मुझे मौका मिले तो मैं कभी वो दोबारा ना करूं। एक नुकसान ये है कि वो आपको एक ऐसी चक्की में फंसा देते हैं कि आपको ये लगता है कि जितने भी पैसे आपके पास हैं वो कम हैं और होने चाहिए, क्योंकि जरूरियात बढ़ती जाती हैं, वॉन्ट्स बढ़ती जाती हैं। वो आपको सिड्यूस करते हैं, नई चीजें, नया फोन आ गया है और नई गाड़ी आ गई है और घर बड़ा कर लें, फलाना बड़ा कर लें। तो अगर किसी तरीके से उस चीज से आप जान छुड़ा लें तो फिर पैशन के लिए बहुत वक्त है। लेकिन आखिरी एक जुमला, मुझे पता है जुहेब तड़प रहा है अगले सवाल के लिए, वो ये है कि जो पैशन का जो 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 रास्ता है वो आसान इसलिए नहीं है कि तकरीबन हर शख्स जिसको आप जानते हैं, तकरीबन हर शख्स वो उसमें आपकी किसी ना किसी तरीके से मुखालफत ही करेगा या करेगी। तो ये मत समझें कि पैशन का जो रास्ता है वो आसान है या बड़ा मजा उसमें आता है, उसमें अपनी आजमाइशें हैं उसकी। और घर वाले जो हैं वो सबसे पहले पेश पेश होते हैं आपकी हौसला शिफ्टी करने के लिए, और उनका बड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में हर इंसान को, छोटा बड़ा, स्टूडेंट प्रोफेशनल, उसको अपना पैशन जो है वो पहले तो आइडेंटिफाई करे और फिर उसको परसू करे। अदील, बहुत शुक्रिया। आपके बचपन के बारे में जितना सुनता गया मैं, मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि हम जितने भी बड़े हो जाएं और जितने भी मुख्तलिफ शोबों में हों जिंदगी के, एक चीज़ है जो हमें जोड़ती है, वो हमारा बचपन है। इतनी सारी कॉमन चीज़ें जो आप कह रहे थे, हमारे एक्सपीरियंसेस भी बहुत सिमिलर हैं, और ये जानकर भी कि जो हमारी जानी मानी शख्सियात हैं उनके बचपन भी हमारी तरह बड़े आम और सादा और खूबसूरत थे। बहुत शुक्रिया हमसे ये सब शेयर करने का। द सिटीजन फाउंडेशन जिन बच्चों के साथ काम कर रहा है उनके भी मासूमाना बचपन को एक अच्छा रास्ता देने की हम कोशिश कर रहे हैं, तालीम के जरिए और मयारी तालीम के जरिए। तो जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि TCF के फेसबुक पेज पे जाएं। अभी COVID-19 की वजह से जिन मसाइल का शिकार हम हैं उससे रिलेटेड हमारी वीडियोज और इंफॉर्मेशन भी है, देखिए कि आप हमारी मदद भी कैसे कर सकते हैं। अदील, बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपका कोई पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो इस वक्त घरों में हैं और बड़ों की कैद में हैं, उनके लिए कोई पैगाम कि इन बच्चों को इस वक्त किस चीज की जरूरत है और इन बच्चों का ख्याल हम कैसे रखें? मैंने देने हैं वो बच्चों को, पसंद आए या ना आए, बड़ों को हरगिज पसंद नहीं आएगा वो पैगाम। और वो ये है कि हम समझते हैं कि शायद बड़ों को हमारी बेहतरी का हमसे ज्यादा इल्म है और शायद कुछ को हो भी, लेकिन जाहिर है बड़े भी इंसान होते हैं। हर बच्चा फर्क है, उसका मिजाज फर्क है, उसकी तबीयत फर्क है। तो बच्चों को ये चाहिए कि जिस चीज में दिलचस्पी है उनको, चाहे उनके जो बड़े हैं वो उनकी हौसला शिकनी करते हो कि नहीं तुम ये मत करो और ये करो, लेकिन बच्चों को चाहिए कि जिस चीज का शौक है वो शौक जो है वो पूरा जरूर करें जिंदगी में एक बार। और दूसरी बात ये, बड़े भी शायद सुन रहे हो, तो बड़ों को भी चाहिए कि जो बच्चों का शौक है वो, चाहे आपको लगे कि बिल्कुल गलत है या ऐसे नहीं करना चाहिए या ये इसमें भूखा मर जाएगा या मर जाएगी या हमारे खानदान में ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल मत करें। अपनी दीवारें, जो जहन की दीवारें हैं उनको भी नीचा करें, जो दिल की दीवारें हैं उनको भी नीचा करें, और बच्चों को आगे चलने दें। क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो किसी और दौर के लिए बनाए गए हैं, तो जो आपकी सोच थी वो किसी और दौर की सोच थी। तो इनको इनकरेज करें कि जो इनका जी चाहता है
वो ये करें और आप बेफिक्र हो जाएंगे, बिल्कुल जो सही रास्ता है उससे भटकेंगे नहीं। ये अगर आपकी तबीयत अच्छी है तो ये बच्चे आगे जाएंगे और सही काम करेंगे। थैंक यू अदील, बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये सब शेयर करने के बाद आपके घर पे खैरियत रहेगी। ये तो मैं जाऊंगा कमरे में तो पता लगेगा, अल्लाह करे बत्ती गई हुई ऊपर। लेकिन जुहेब थैंक यू सो मच, TCF सिटीजन फाउंडेशन का मैं बहुत पुराना मद्दा हूँ। जो लोग जो देख रहे हैं अगर वो नहीं जानते कि क्या काम करता है TCF, तो आप प्लीज लुक अप, जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है TCF की पिछले 20-25 साल की एजुकेशन सेक्टर में, बहुत जबरदस्त। और जब भी TCF वाले जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस क्लास में, जिस स्कूल में कहेंगे, ये मेरा आपसे ऑन एयर आज वादा है, ता हयात मैं जो कुछ भी छोटा बहुत मेरे पास है वो TCF की नजर करने को मैं तैयार हूँ। वक्त और जो मेरे पास थोड़ा सा इल्म है बच्चों के लिए, कोई स्कूल हो, TCF का कोई ब्रांच हो, क्लास हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, मैं हमेशा हाजिर। बहुत शुक्रिया अदील, आज के वक्त देने का भी और इस खूबसूरत बात का भी, ये क्योंकि अब रिकॉर्डेड है तो वी विल यू नो होल्ड यू अप फॉर इट। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। कुछ नाज़रीन के सवाल रह गए उसके लिए माजरत। आई होप ऑल ऑफ यू हैड अ रियली गुड टाइम। आई थिंक हम दो हफ्ते बाद फिर किसी और जानी मानी शख्सियत के साथ मौजूद होंगे उनके बचपन के बारे में बात करने के लिए। अति शुक्रिया वंस अगेन टू एवरीबडी एल्स। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।